हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे रेनेसां की। रेनेसां, जिसे पुनर्जागरण भी कहा जाता है हिंदी में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड था, बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था रेनेसां। और रेनेसां मीनिंग होता है, फ्रेंच में वर्ड है रेनेसां, इसका मीनिंग होता है रीबर्थ, पुनर्जन्म। और इसकी वजह से एक न्यू एज की शुरुआत हुई थी, जिस एज में आर्ट आर्ट के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में रिवाइवल हुआ था। और पुराने जो ग्रीक और रोमन जो लिटरेचर थे और आर्ट फॉर्म था, उसका रिवाइवल हुआ था इस एज में। जिस प्रकार हमारे इंडियन इतिहास को हम कई भागों में बांटते हैं, वैसे ही जो वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जो पहला जो हिस्सा है, पहला जो पार्ट है, वो है प्राचीन विश्व, जो एंशियंट वर्ल्ड है। फिर है मध्य विश्व, जो कि मिडिवल पीरियड है। फिर तीसरा हिस्सा है, वो है आधुनिक वर्ल्ड, जिसे फ्रॉम 16th century टू अभी तक कह सकते हैं। तो ये जो हम देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि पुनर्जागरण जो है क्या मीनिंग रखता है। जैसे कि पुनर्जागरण का मीन्स होता है फिर से जागना। जैसे मान लिया जाए कि कोई सुबह सुबह उठे और रात को जो सोए थे उसके बाद जब उठते हैं, तो हम जो सोने के बाद जो उठने हैं वो है जागरण, पुनर्जागरण। तो उसी प्रकार से आधुनिक युग में क्या हुआ, वही जो आधुनिक युग में जो पुनर्जागरण का काल है। और आप जब दोबारा उठते हैं, अपने नवयुग का आगमन होता है, और पुराना जो विश्व था जो बहुत अच्छा था, जैसे कि जो एंशियंट पीरियड था वो बहुत अच्छा था, कई सभ्यताओं का वहाँ विकास हुआ था यूरोप में, यूनानी सभ्यता का और ग्रीक सभ्यता का, और लिटरेचर फल फूल रहा था। लेकिन बीच का जो पीरियड था, जो कि मिडिल पीरियड था, जो मिडिलेवल पीरियड कहा जाता है, जिसे मध्ययुग कहा जाता है, जिसे डार्क पीरियड भी कहा जाता है, वो अंधकार युग था। और इस समय ऐसे माना जाता है कि जो जो एक प्रकार से विश्व फिर से सो गया, और जब पुनर्जागरण आया तब विश्व एक बार फिर अपनी निद्रा से उठा, अपनी नींद से उठा, और नई चिंतन शक्ति का विकास हुआ, और विवेक शक्ति का विकास हुआ, रीजन का विकास हुआ, बौद्धिक शक्ति का विकास हुआ इस रेनेसां एज में। तो इसलिए और इस एज में, रेनेसां एज में ह्यूमनिज्म का विकास हुआ। ह्यूमनिज्म मीन्स मानवता धर्म। सबसे अच्छा धर्म जो है वो है मानव धर्म है, मानवता का धर्म है, ह्यूमनिज्म है, जो सभी धर्म से सबसे ऊपर है। इसका मतलब पुनर्जागरण के काल में कहीं ना कहीं मानवतावाद का भी विकास हुआ, ह्यूमनिज्म का विकास हुआ। तो जब मानवतावाद का विकास होगा तो पुनर्जागरण तो आएगा ही। तो लोगों की जो चिंतन शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, इसमें परिवर्तन आया, रीजन में परिवर्तन आया, और दोबारा एक तरफ से इंसान ने जन्म लिया, दोबारा से वो अपने नींद से जाग कर उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, और अंधकार युग का अंत हुआ और नया युग प्रारंभ हुआ, पुनर्जागरण का युग और रेनेसां का युग प्रारंभ हुआ। इस रेनेसां के कई कारण हैं, रेनेसां जो आया था उसके कई कारण हैं। इटली एक देश है, इटली एक देश के, इटली के आसपास, इटली की जो राजधानी है वो रोम है, तो इसके आसपास के क्षेत्र को हम रोमन साम्राज्य कह सकते हैं। रोमन साम्राज्य 3री शताब्दी में विभाजित हो गया था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य में। और जो पूर्वी जो रोमन साम्राज्य थी, उसकी जो राजधानी थी वो थी कुस्तुंतुनिया, जिसे हिंदी इंग्लिश में कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है, कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुंतुनिया। तो ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल था। तो देखें कि जो इटली, इटली में जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई है, जो पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई है वो इटली से ही हुई है, और इटली को ही मानवता का केंद्र बिंदु कहा जाएगा, इतिहास का केंद्र बिंदु ये हो जाएगा। पुनर्जागरण में किसका उदय होता है, इसका संस्थापक कौन, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। पेट्रार को भी इस बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फिगर माना जाता है इस रेनेसां एज के। अब हम पुनर्जागरण में कॉन्स्टेंटिनोपल की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि
एक शासक हुआ करते थे सुल्तान महमूद करके, सुल्तान महमूद फतेह करके एक शासक हुआ करते थे। तो कॉन्स्टेंटिनोपल की जो भौगोलिक स्थिति है, जो जोग्राफिकल स्थिति थी, वो इस तरह से थी कि वो मध्य सागर वहाँ पर था और तुर्की है और ऊपर साइड में आ जाता है। तो ये जो कुस्तुनतुनिया जो था, कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, वो 1500 साल तक अविजयित था। उसको किसी ने इसको जीत नहीं पाया था, कुस्तुनतुनिया को किसी ने विजय नहीं कर पाया था। लेकिन क्या हुआ कि सुल्तान महमूद जो था जो सिर्फ 21 साल का ही था, 21 साल का था, और 21 साल की उम्र में इसने इस कॉन्स्टेंटिनोपल पे अपनी विजय हासिल कर ली। और इसने ये जो जीत पाई उसको 1453 में इसने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया था। तो इसी की वजह से यहाँ पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं कि जो रोमन सम्राट, जैसे कि कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटियन एम्पायर की राजधानी थी, कॉन्स्टेंटिनोपल पर जब अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार हो गया, तो ये जो यहाँ बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े स्कॉलर थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, साहित्यकार थे, लिटरेरी फिगर्स थे, कवि थे, लेखक, दार्शनिक यहाँ रहा करते थे इस कॉन्स्टेंटिनोपल में। अब क्योंकि ये जो ग्रीक ज्ञान और विज्ञान का ये केंद्र हुआ करता था कॉन्स्टेंटिनोपल, अब जब कुस्तुनतुनिया पर, कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों का कब्जा हो गया, जो कि एक मुस्लिम साम्राज्य था, तो इसका जब कब्जा हो गया तो यहाँ इन लोगों को डर लगने लगा कि इनकी जो संस्कृति है वो बच नहीं पाएगी, इनके ऊपर अत्याचार होंगे। तो उन्होंने इसको बचने के प्रयास किए और उन्होंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट, अपनी पांडुलिपियाँ और जो अपने लिटरेचर, ये सारा का सारा आर्ट फॉर्म जो जितना भी था उसको अपने अपने साथ उन्होंने पकड़ा और वो भागने लगे। और वो भाग के आए इटली में की तरफ भागने लगे। और बेसिकली जो इटली का जो फ्लोरेंस का जो एरिया है, फ्लोरेंस आता है इटली में, तो उस तरफ वो चले गए। और वहाँ जब विद्वान गए, वहाँ आर्टिस्ट गए, तो चूंकि वो आर्टिस्ट थे, विद्वान थे, कलाकार थे, तो उन्होंने अपनी जो जानकारी थी, अपनी जो कला को वहाँ पर स्थापित किया, अपनी जानकारी को फैलाया, और इस तरह से पुनर्जागरण यहाँ पर आया। तो लिटरेचर के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में, सब तरफ पुनर्जागरण आया, रेनेसां आया। तो ये मुख्य कारण है कुस्तुनतुनिया का जो पतन है, कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फॉल है, ये इस जो रिनेसेंस का मुख्य कारण है। उसके अलावा धार्मिक युद्ध भी इस रेनेसां का कारण है। अब चूंकि जो धर्म गुरु जो थे, रहते थे वहाँ पर, तो उन वो अपने आप को जो क्रिश्चियन धर्म गुरु थे, अपने आप को भगवान का दूत मानते थे, और उनकी ये धारणा थी कि वो जो दूत हैं वो कभी हार नहीं सकते। तो इस तरह से जब उनको हरा दिया गया और एक तरह से उनको भाग के यहाँ पर आना पड़ा और उनका जो एक हार हो गई, तो क्या हुआ कि यूरोपीय लोगों का संपर्क पूर्वी लोगों से जो हुआ, तो पूर्वी लोगों से इनका जो संपर्क बढ़ा, तो इनके ज्ञान में वृद्धि हुई और इस तरह से पुनर्जागरण आया। तो अभी इस तरह से का कारण है इसके, जो कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल और धार्मिक युद्ध। फिर व्यापार का भी विकास हो रहा था इस एज में, और जो एक रास्ता था, सिल्क रूट रास्ता था, जहाँ जहाँ से होकर, इटली से होकर जो लोग थे, यूरोप के लोग व्यापार करने जाते थे, एशिया में जाते थे। तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का जो ये पतन हो गया, फॉल हो गया, तो ये जो सिल्क रूट का जो रास्ता था वो बंद हो गया। अब उनको नए रास्तों की तलाश करनी थी, क्योंकि अब इस रास्ते से वो तो जा नहीं सकते थे यूरोप में, एशिया में जा नहीं सकते थे यूरोप के लोग। तो उन्होंने नए रास्ते अख्तियार किए, नया रूट खोजा, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का दौर शुरू हुआ, अमेरिका की खोज हुई, भारत की खोज हुई, समुद्री मार्गों की खोज हुई। तो इस तरह से, और तो इस तरह से एक इवेंट जो था, जो कि एक तरह से नेगेटिव इवेंट था, कॉन्स्टेंटिनोपल का जो फॉल था, लेकिन इस नेगेटिव इवेंट ने, इस टेरिबल इवेंट ने एक अच्छी घटना को जन्म दे दिया, वो था रेनेसां, पुनर्जागरण। और इस तरह से यूरोप में डार्क एजेस का अंत हुआ और मॉडर्न लाइफ आया इंग्लैंड यूरोप में, और न्यू एज का आरंभ हुआ। और जो इंटेलेक्चुअल जो थे, अपने साथ जो लेके गए थे पांडुलिपियाँ, मैन्युस्क्रिप्ट,
इस सब से लोगों का इमेजिनेशन में वृद्धि हो गई, कल्पना शक्ति तेज हो गई और नए एज का आरंभ हुआ। तो ये जो रेनेसां जो था, इसको इस रेनेसां के स्पिरिट में एडवेंचर को बहुत ज़्यादा महत्व मिलता था और क्यूरियोसिटी का दौर था। लोगों के मन में एक जानकारी की ललक थी, हर हर लैंड को, हर नई डिस्कवरी में उनका ध्यान था। नए नए वर्ल्ड वो डिस्कवर करना चाहते थे। कोलंबस ने अमेरिका की यात्रा की और अमेरिका को के कॉन्टिनेंट को खोजा 1492 में, और इसी स्पिरिट का ये देन था, इसी एडवेंचर के स्पिरिट का ये देन था। फिर निकोलस कॉपरनिकस जो साइंटिस्ट थे, उसने रिवोल्यूशन ला दिया था इस क्षेत्र में, और रेनेसां राइटर्स जो एक से बढ़कर एक हुए, आर्टिस्ट हुए और जो नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इस एडवेंचर के स्पिरिट को आगे बढ़ा रहे थे। अब ये जो रेनेसां जो इटली में शुरुआत हुई थी, ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगा और ये सब तरफ यूरोप के चारों तरफ रिपल इफेक्ट की तरह ये चारों तरफ फैलने लगा। और इसका सेंटर जो था वो इटली था। एंशेंट रोमन हिस्ट्री का जो सेंटर वो था, इसका रोम इसका सेंटर था। और इसके जो जो रिमेन्स हैं, जो आर्किटेक्चुरल रिमेन्स हैं, स्टैचूस हैं, मूर्तियां हैं, कॉइन्स हैं, ये सारी चीज़ों को अभी भी हम देख सकते हैं इटली में, जो कि इटली ग्लोरी को, इटली के ग्लोरी को, वैभव को प्रदर्शित करता है। और ये जो सिटीज़ हैं इटली में, फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस, ये सब बहुत ही प्रॉस्परस सेंटर हुआ करते थे रेनेसां के। तो इस तरह से एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था रेनेसां, जिसमें एजुकेशन को भी जोड़ दिया गया, इंडिविजुअल अचीवमेंट को भी जोड़ दिया गया और ह्यूमनिज्म का दौर बढ़ा, ह्यूमनिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ। तो जो पुराने कल्चर, जो विरासत में जो उनका ध्यान, जो लोगों का ध्यान जो अभी तक पुराने अपने जो कल्चर में ध्यान जो नहीं गया था, सेंचुरी से जो जिनका ध्यान नहीं गया था, अब उन्होंने अपने इस कल्चर को रीडिस्कवर करना शुरू किया और इस ग्रीक और रोमन क्लासिकल के को विरासत को उन्होंने पुनर्जीवित किया, रिवाइव किया। और जैसे कहा जाता है कि वाइज मैन वन सेड दैट आर्ट इज़ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, जो कला है हमको ह्यूमन बनाती है, ज़्यादा अच्छा इंसान बनाती है। तो उसी दौरान ह्यूमनिज्म पर जोर दिया जाने लगा। और ह्यूमनिज्म में क्या होता है कि ह्यूमन के इमोशन को, उसकी जो डिग्निटी को, उसके वैभव को इम्पोर्टेंस मिलती है। तो सबसे बड़ा जो धर्म है ह्यूमैनिटी, मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ये एस्टैब्लिश होने लगा। और रिलीजियस बिलीफ जो सदियों से जो दकिया ने उसे, जो रिलीजियस बिलीफ थी जिसमें चर्च पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, धार्मिक विश्वास पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, ये सारे जो चीज़ें हैं ये बदलने लगी, चेंज होने लगी और ह्यूमनिज्म पे जोर देने लगे। बड़े बड़े थिंकर्स हुए, बड़े बड़े थिंकर्स जैसे कि फ्रांसिस्को पेट्रार्क, दांते, इटली के दांते, बोकैशियो, ये सब आए और उन्होंने बहुत प्रयास किए। और इसमें उन्होंने लोगों का ध्यान रिलीजन से हटाकर जो सांसारिक सुख सुविधा की ओर उन्होंने किया, वर्डली थिंग्स पे किया। और ये जो सांसारिक जो चीज़ें थी, जो नॉलेज था, उन्होंने उनको पॉजिटिवली देखा गया इस युग में। और लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि कोई चीज़ है तो ऐसी क्यों है। तो रेनेसां के में लोगों को धार्मिक कट्टरता से आज़ादी मिली, लोगों की तर्क शक्ति मजबूत हुई, रीज़न मजबूत हुआ और पूरी लाइफ उनकी चेंज होने लगी। और वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो रेनेसां में लोग अभियान में जा रहे थे, एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे थे, नई नई कंट्री डिस्कवर कर रहे थे और अपने रीज़न पे महत्व दे रहे थे। और विद्वानों ने, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बढ़ गई थी, जानने की ललक बढ़ गई थी, तर्क शक्ति बढ़ गई थी। अब वे स्कॉलर्स अंधविश्वास को नहीं मान रहे थे, सुपरस्टिशन को मानने को तैयार अब नहीं थे। वो जो सदियों से जो धर्म उनको सुपरस्टिशन सिखा रहा था, एक अंधविश्वास सिखा रहा था, उस पर वो बिलीव नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो रीज़न पे, तर्क पे विश्वास करना चाहते थे। ये जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, अब चर्च की कुरीतियों को बता रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि चर्च कितने में कितने भ्रष्टाचार फैला है, कितनी कुरीतियाँ, कितना करप्शन,
फैला हुआ है और क्रिश्चियन रिलीजन में जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस है, उसके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो रेनेसां के दौरान जो लोग थे उनके मन मस्तिष्क के ऊपर उनको इनके मन में ये आ रहा था कि ये सब सबके ऊपर जो है ह्यूमैनिटी है और इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें सांसारिक सुख सुविधाएँ होनी चाहिए। सांसारिक सुख सुविधाओं की खोज करना या उनके पाने की इच्छा रखना बुरी बात नहीं है। तो ये सारा एटीट्यूड चेंज हो रहा था और ये एटीट्यूड धार्मिक संस्थाओं को, चर्चेस को चैलेंज दे रहा था और उनके ज्ञान और शक्तियों का जो अपने आप को वो जो अब तक ठेकेदार मान रहे थे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस, चर्च, तो इनको एक चैलेंज मिल रहा था लोगों से। रेनेसां या पुनर्जागरण जो है वो ये सारी थिंकिंग को एम्ब्रेस कर रहा था और सारी इन नई नई चीज़ों का उद्भव हो रहा था। उस एज के जो आर्टिस्ट थे, जो पेंटर्स थे, मूर्तिकार थे, वो ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन शरीर रचना की नॉलेज रखते थे कि ह्यूमन का जो बॉडी स्ट्रक्चर की, और वे इंसानों को इमोशंस को इम्पोर्टेंस दे रहे थे। और उन आर्टिस्ट ने एक से बढ़कर एक कला की वस्तुएं बनाई, पेंटिंग्स बनाई, मूर्तियां बनाई, और कलाकारों ने गॉड के इंसानों को, गॉड को इंसानों के रूप में चित्रित किया, पेंट किया और उनको इतना जीवंत और सुंदर दिखाया। और रेनेसां जो मूवमेंट है वो उसमें जो पहले जो चल आ रहा था जो पुराना जो लैंग्वेज था, लैटिन लैंग्वेज था, उसके बजाय जो लोकल लैंग्वेज है उसको प्रमोशन मिला। लोकल लैंग्वेज को लोग इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे जिसकी वजह से क्या हुआ, लिटरेचर भी ज़्यादा बढ़ा और फला फूला। और लोग तरह तरह के सब्जेक्ट में जो लिटरेचर लिख रहे थे, पहले का जो लिटरेचर था वो सिर्फ रिलीजियस हुआ करता था, धार्मिक हुआ करता था, लेकिन अब जब लोग थे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सेक्युलर सब्जेक्ट पे लिख रहे थे, नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट पे जो अपने जो लिटरेचर लिख रहे थे, लोगों की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे थे और लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे थे, ना कि धर्म के चमत्कारों के बारे में। और ये जो मध्ययुगीन बंधनों से जो आर्टिस्ट अपने आप को आज़ाद मान रहे थे, आर्टिस्ट इस्लामिक, ग्रीक, बाइजेंटियम स्टाइल को मिलाकर एक नया आर्ट फॉर्म विकसित कर रहे थे और इतना खूबसूरत आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा था जो दुनिया ने अब तक कभी देखा नहीं था। और इस फ्लोरेंस एंड मेडिसी के बारे में बात करते हैं, तो ये एक फ्लोरेंस जो सिटी था इटली का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी है रेनेसां के फील्ड में। और ये इसमें एक से बढ़कर एक पोएट आर्टिस्ट को उन्होंने शरण दी थी इस टाइम में। और इस एक फैमिली थी इटली में जिसे मेडिसी फैमिली कहा जाता है, फ्लोरेंस की मेडिसी फैमिली। ये बैंकिंग सेक्टर की भी शुरुआत इन्होंने की थी, बैंकिंग बिजनेस की शुरुआत की थी और इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फले फूले वो। फिर उन्होंने कई बिज़नेस किए और वो बहुत ज़्यादा, फिर वो पॉलिटिक्स में भी आ गए, पॉलिटिक्स में भी उनका कब्जा हो गया। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया रेनेसां एज में, आर्टिस्ट को सपोर्ट किया, आर्टिस्ट को संरक्षण दिया। ये जो इसमें से सबसे बड़े जो नाम है इस एज में वो है लॉरेंजो डे मेडिसी का। लॉरेंजो, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, लॉरेंजो मेडिसी जी मेडिसी है, लॉरेंजो डी मेडिसी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इन्होंने बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया, कलाकारों को संरक्षण दिया, पोएट्स को संरक्षण दिया अपने महल में। माइकल एंजेलो इनके साथ में रहते थे, माइकल एंजेलो जो बहुत बड़े पेंटर थे, आर्टिस्ट थे और स्कल्पचर जो भी बनाते, जो मूर्तिकार भी थे। ये उनके गार्डन में जो स्टैचूज थे, रोमन स्टैचूज थे, उनको देख के उन्होंने बहुत सारे स्टैचूज बनाए। और वो उनके साथ डिनर भी करते थे, ये मेडिसी फैमिली के साथ डिनर भी करते थे माइकल एंजेलो। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और ह्यूमनिज्म को सपोर्ट मिला इस एज में, और इस तरह से एक रेनेसां का युग आया। तो कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं रेनेसां की, राइज ऑफ हेलेनिज्म। तो रेनेसां के युग में क्या हुआ कि जो ग्रीक, हेलेनिज्म मतलब होता है ग्रीक, ग्रीक के प्रति, ग्रीक लिटरेचर के प्रति, ग्रीक कला के प्रति प्यार बढ़ा, लोगों का ध्यान बढ़ा ग्रीक माइथोलॉजी के प्रति, क्योंकि ये जो विद्वान थे वो जो होमर, ये सब जो विद्वान थे, इनका जो आर्ट जो था वो ज़्यादातर ग्रीक लिटरेचर था वो, तो लोगों का ध्यान इस ओर गया। फिर डिफ्यूजन ऑफ न्यू लर्निंग,
तो इस एज में जो क्लासिकल राइटर्स थे, रोमन और ग्रीक राइटर्स को पढ़ा गया, इसमें इंटरेस्ट नए सिरे से इनके ऊपर इंटरेस्ट आया और लोगों ने इनको पढ़ा, और ये जो ऑथर्स जो थे, ये जो राइटर्स थे, उन्होंने लोगों की जो विचारधारा थी, इनका जो आउटलुक था, पूरी तरह से बदलाव ला दिया। और इन्होंने एक इस बदलाव के स्पिरिट के साथ पुनर्जागरण आया। फिर राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, इस एज में ह्यूमनिज्म का प्रचार प्रसार हुआ, और इसका जो सेंटर था, ह्यूमनिज्म का सेंटर जो था वो इटली था, और इसमें आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट हुआ, और लोग अब गॉड के प्रति या चर्च के प्रति रिलाई होने के बजाय उन्होंने ह्यूमनिस्टिक लर्निंग के ऊपर जोर दिया। इस एज में इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म बढ़ा, व्यक्तिवाद बढ़ा। ग्रीक लिटरेचर ने डीप मार्क किया था लोगों के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा था, और लोग अपने जो इंडिविजुअल एडवांसमेंट की ओर ध्यान देने लगे, अपने आप को सुख सुविधाओं से संपन्न करने लगे। और इस एज में एक से बढ़कर एक राइटर हुए थे। इंग्लैंड में जो राइटर थे वो विलियम शेक्सपियर ग्रेट राइटर थे, एज ऑफ रेनेसां के, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस लिखे हैं। फिर क्रिस्टोफर मार्लो भी थे इम्पोर्टेंट राइटर, उन्होंने एडवर्ड फर्स्ट, क्रिस्ट और डॉक्टर फॉस्टस लिखा है। तो डॉक्टर फॉस्टस बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रेनेसां के जो स्पिरिट को बताता है। फिर इस एज में जो था, रेनेसां के एज में प्रिंटिंग प्रेस ने एक क्रांति लाई थी। 1450 में जो जोनासन गुटनबर्ग थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, और इसी प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार की वजह से क्या था कि लिटरेचर प्रिंट हो रहे थे और लिटरेचर के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा बल मिला। और इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस कैक्सटन के जरिए आया था। और इस एज में ग्रोथ ऑफ ट्रेड और कॉमर्स भी हुआ, व्यापार बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, जिसने भी रेनेसां को एक तरह से स्पिरिट को जोड़ दिया। तो इस एज में रेनेसां के इम्पोर्टेंट जीनेसेस थे लियोनार्डो दा विंसी, जो बहुत बड़े पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, इन्वेंटर थे, और उन्हें रेनेसां मैन कहा जाता है। उन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई, द लास्ट सपर बनाया बनाया जो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, वो थे रेने डेस्कार्ट्स, वो फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन थे। और फिर गैलीलियो, गैलीलियो इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, इटली के एस्ट्रोनॉमी के इम्पोर्टेंट फिगर थे, फिजिस्ट थे, इंजीनियर थे। फिर कॉपरनिकस थे, कॉपरनिकस मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, और उन्होंने माइंड न्यू साइंटिफिक थ्योरी को बल दिया और सोलर सिस्टम के बारे में नॉलेज दी। ये बताया कि जो अर्थ है कैसे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाया। और फिर थॉमस हॉब थे, जो इंग्लिश फिलोसोफर और ऑथर थे, उन्होंने लेविथन लिखा था। जॉफरी चौसर 14th सेंचुरी इंग्लैंड के ग्रेट राइटर थे, उन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखा है। दांते, दांते बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है रेनेसां के, वो इटालियन फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, पोएट थे, राइटर थे, और पॉलिटिकल थिंकर थे वो। उन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी है। निकोलियो मैक्योली, निकोलो मैक्योली इटालियन डिप्लोमेट थे, और वो फिलोसोफर भी थे, दार्शनिक भी थे, और उन्होंने फेमस बुक लिखा है द प्रिंस और द डिस्कर्सेस ऑफ लाइबी। तो ये इम्पोर्टेंट वर्क थे जिन्होंने रेनेसां के एज में एक तरह से लोगों के दिमाग में, उनकी इसमें क्रांति ला दी थी। और इस तरह का एज था रेनेसां का एज। थैंक यू सो मच।